हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू ईफी टीवी। उम्मीद कर रहा हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। बिलाल सईद और सबा कमर का कुछ ही मिनट पहले गाना रिलीज़ हो चुका है। यकीन करो कुछ ही मिनटों में तकरीबन 60,000 से ज़्यादा उसके व्यूज़ हो गए थे और बहुत ज़्यादा लोगों ने कमेंट्स भी किया है और लोगों ने अप्रिशिएट भी कर दिया है। जो सबा कमर और बिलाल सईद का जो शूट हुआ था वज़ीर खान मस्जिद के अंदर, वो पूरी तरह से डिलीट हो चुका है। और उनका जो पीछे माफ़ीनामा आया था और उसके बाद में उर्दू पॉइंट पे क्या हुआ था कि बिलाल सईद का पूरी तरह से इंटरव्यू भी लिया गया था, ये कल की बात है। तो उसके बाद रिव्यूज़ वगैरह लिए बहुत ज़्यादा, उसके बाद में डिटेल से बात हुई और डिटेल की बात के बाद ये सारी हकीकत सामने आ गई कि उन्होंने गलती क्या क्या की थी। तो ये सारा कुछ तो हो गया। अब ये गाना जो आज रिलीज़ हुआ है, गाना सुने, गाना इतना ही अच्छा है, इतना ही अच्छा है कि जिस फैमिली टर्म्स होते हैं ये सारा नेचुरल उन पे बनाया गया है। क्योंकि फैमिली में अक्सर ही बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। अक्सर ही हस्बैंड काम के हवाले से वो जॉब पे बिज़ी होते हैं या फ़ोन पे वो डिस्कशन करते हैं। बहुत ज़्यादा मीटिंग्स आजकल ऑनलाइन होती हैं, बहुत सारे आपको डिस्कशन फ़ोन पे करनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से वाइफ क्या होती हैं कि नाराज़ हो जाती हैं जब उनको टाइम नहीं दिया जाता। फैमिली में जो गैप होता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यही जो सबा कमर ने कबूल है गाना उस पर डायरेक्ट भी किया है और उन्होंने शूट भी लिए हैं, और ये शूट जो उन्होंने लिए हैं जो फैमिली के अंदर घर जैसे माहौल बना कर लिए हैं, और उसके बाद में जब उन्होंने ट्रैवलिंग में लिया है तो कमाल ही कर दिया है कि किस तरह बिलाल सईद ने अपने फ़ोन को टर्न किया शूटिंग के टाइम पे, और ये ना दिखाने के लिए कि बीवी को पता ना चल सके कि फ़ोन किसका है। तो ये नेचुरली बात है, ये सब लोगों के साथ होता है। हम लोग अक्सर ही अपनी कॉल्स, अपने मैसेजेस अपने घर वालों या अपने बहन भाइयों को दिखाना नहीं पसंद करते और कोशिश करते हैं कि हर चीज़ को प्राइवेसी में रखा जाए। लेकिन बाद में जब वो गाना चला कि सानू नी कबूल है सज्जना, उसमें बताया उसने कि ये चूँकि एक मीटिंग कॉल थी और वाइफ की मिसकम्युनिकेशन मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वो समझ नहीं पा रही थी कि ये कॉल्स वगैरह किसकी आ रही हैं। तो ये गाने को मैंने 2-3 बार सुना, मैंने पूरी डिटेल में इसको अंडरस्टैंड किया। और ये जो पंजाबी गाना है, यकीन करो कि उस बंदे ने तो अपनी दुखी आवाज़ उसमें डाल दी है कि सानू नी कबूल सजना, कमाल कर दिया। लेकिन जो वीडियो है, वीडियो और भी अच्छी हो सकती थी क्योंकि ये 4K वीडियो उन्होंने बनाई है, और ये 4K वीडियो 8K में ट्रांसफ़र हो सकती थी अगर आप उसको ज़्यादा क्वालिटी पाकिस्तान में लेके आते। क्योंकि मैंने अक्सर बॉलीवुड हॉलीवुड की वीडियोस, उसके बाद में गेम्स, और उसके बाद में बहुत सारे ऐसे HD और डॉल्बे साउंड सुने हैं जिस पर वो उन्होंने वीडियोज़ की क्वालिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो उम्मीद है पाकिस्तान में उस क्वालिटीज़ पे वर्क किया जाएगा, जैसे पीछे बहुत सारे आतिफ असलम के पाकिस्तान में गाने भी हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा वीडियोस को अच्छा बनाने की कोशिश भी किया और हुई भी हैं। तो बिलाल सईद ने और सबा कमर ने ये गाने को बनाया और सबा कमर ने इसको डायरेक्ट किया, लेकिन डायरेक्ट में कुछ खामियाँ नज़र आई और खामियाँ इंशाल्लाह दूसरे गाने में पूरी हो जाएंगी। क्योंकि ये गाना एक जब रिलीज़ हुआ है तो ऑफकोर्स उसकी पूरी एल्बम को बाकी होना ज़रूरी है। तो ये सानू नी कबूल सजना गाना ऑफ कोर्स हिट होएगा, और ये अभी मिनटों में ये कितने हज़ारों में चला गया, और ये हज़ारों के बाद लाखों में जाएगा, लाखों के बाद मिलियंस में जाएगा, और ये बहुत ज़्यादा हिट भी होगा। और इंशाल्लाह ताला आप लोगों को ये पसंद भी आएगा। आपने अगर इसको सुनना है तो काइंड इसको हेडसेट लगा कर सुनो, उसकी ऑडियो की तरफ फोकस करो, वीडियो की तरफ फोकस अब बाद में करना पड़ेगा। और उसके बाद में लड़कियां जो अक्सर ही किसी हस्बैंड की कॉल्स वगैरह को मिसअंडरस्टैंड कर लेती हैं, समझ नहीं पाती हैं, तो उनके लिए स्पेशली गाना अच्छा बनाया गया है कि अपने हस्बैंड की जो फीलिंग्स होती हैं, हस्बैंड के अटैचमेंट होती हैं, उनकी तरफ ज़्यादा तवज्जो की जाए। तो बहुत मुबारक हो, गाने की सक्सेसफुल सॉन्ग हो गया, और बिलाल सईद ने और सबा कमर ने ऑलरेडी माफ़ी मांग ली हुई है, यहाँ तक कि बहुत सारे इंतज़ामिया औकाफ ग्रुप की, और उन्होंने बाद में ये एक्सेप्ट भी कर लिया है कि नेक्स्ट टाइम कभी फ्यूचर में ऐसी गलती नहीं होगी। तो दोस्त लोग जो नाराज़ थे, जो लोग ये समझते थे कि उन्होंने बहुत बड़ी गलतियाँ कर दी हैं, ये वो सारा कुछ हो गया, तो हम लोग सब उनको माफ़ करते हैं क्योंकि हमारे पाकिस्तान के वो फेमस सिंगर्स हैं और हम पाकिस्तानियों की इज़्ज़त एहतराम करते हैं, और इंशाल्लाह ताला वो कभी ऐसी गलती को नहीं दोहराएंगे, और अल्लाह ताला तौबा करने वाले को ज़रूर माफ़ करता है। तो बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, और थैंक यू सो मच जिन लोगों ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और लाइक और बेल के बटन को दबा दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी।